स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए मैथ्स की वर्कशीट लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने इंग्लिश की वर्कशीट भी अपलोड की है बहुत सारी, अभी आगे और भी करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ आज मैथ्स की अपलोड करती हूँ। तो चलिए आज मैथ्स की वीडियो आपको दिखाती हूँ कि मैथ्स में स्टैंडर्ड फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक से भी एक्स्ट्रा आते हैं, आपके क्लास में बहुत से नंबर नेम सिखाए जाते हैं जो कि बुक में नहीं होते हैं, टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा टीचर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सब एक्स्ट्राज डालती हैं। तो इसीलिए मैं ये वर्कशीट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टैंडर्ड फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ओके, फर्स्ट मैथ्स का मैं ये फर्स्ट वर्कशीट डाल रही हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3 8s। ओके, 3 × 8 मीन्स 3 8s। यहाँ पे सारे टेबल से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 3 8s कितना होता है स्टूडेंट? 24। ओके, 5 9s 45, 3 6s 18, 5 7s 35, 2 7s 14, 4 9s 36। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब कि आपको टेबल से रिलेटेड, आपको लाइन से नहीं आएगा, बीच में से कुछ भी, जिसको बीच में से कुछ भी आ सकता है, आपको कोई भी टेबल कितने टाइम से भी पूछ लेगा, इसलिए आपको आना चाहिए कि 2 7s कितना होता है, 4 9s 3 6s। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नंबर्स। ओके, न्यूमरल्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं, मीन्स आपको नंबर नेम में दिया होगा, आपको उसका नंबर लिखना है। तो कितना लिखा है यहाँ पे? 82 82, 78 78, 119 119, 57 57 57, 129 सो 129, यूनिट टेंस 100। बहुत सारे बच्चे ज़ीरो लगा देते हैं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे काउंट करना है, ये यूनिट है 10 से 100, मतलब 100, 2 10s और 9 यूनिट, 129। ओके, चलिए राइट इन वर्ड्स, ये सब एक्स्ट्रा है स्टूडेंट, जो भी आपके टेक्स्ट में पोर्शन है उससे एक्स्ट्रा है ये। तो 118 का आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, मीन्स नंबर नेम। सो 118, 94, 126, 87, 109। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिट है 10 से 100, तो 100 बोला और 9 यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, टेंस का प्लेस कोई बोला है क्या? टेंस का कोई भी नंबर नहीं बोला है, जैसे कि 126 यहाँ पे बोला था, तो हमने 100 और 26 लिखा, तो यहाँ पे 109 है, तो 1 की जगह 100 की जगह पे 1 हो गया, टेंस का कुछ नहीं, वहाँ का प्लेस का नंबर ही नहीं बोल रहे, तो वहाँ पे 0 आएगा, सो 109 होता है। ओके, सो ये हो गया। चलिए पीछे देखते हैं, ओके, यहाँ पर कॉइन से रिलेटेड है, जो भी हमारे चैप्टर हैं कॉइन से, कॉइन और रुपीज से रिलेटेड, उससे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। यस, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको आर्टिकल्स दिया हुआ, आर्टिकल्स यानी चीज़ें, सामान, ओके, थिंग्स, तो यहाँ पे दी है, फिर कॉइन्स मतलब कितना कॉइन इसे खरीदने में लगेगा, और ये उसका प्राइस है। ओके, तो चलिए ये आर्टिकल ये कितने का है, यहाँ पे 5 रुपीज़ दिया और 2 रुपीज़, तो 5 और 2 रुपीज़ मिलके कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? 7 5 6 7, सो रुपीज़ 7। आपको ऐसा सिंबल भी देना है, यहाँ पे दिया हुआ है, आगे चलकर आपको खुद भी देना पड़ सकता है, तो ये आपको सीखना है कैसे। ओके, इस तरीके से र लिख के ऐसे एक लाइन है, सो रुपीज़। फिर बर्गर देखिए, ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर कितने का है? 10, ये हाँ 10 20 30, सारे 10 10 के कॉइन्स हैं, तो 1 2 3 कॉइन है 10 के, तो 30 रुपीज़, सो रुपीज़ 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड ऑन द नंबर लाइन। यस, आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ है, आपको क्या करना है? एडिशन करना है काउंटिंग फॉरवर्ड, आगे आगे काउंट करके। तो इस नंबर लाइन को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है? 5, तो हम नंबर लाइन में 5 पे जाएंगे, चलिए 5 पे गए, उसके आगे कितना प्लस करना है? 4, तो हम 4 जंप मारेंगे, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप, आगे आगे जंप मारेंगे। ओके, प्लस में हमको आगे आगे जाना होता है, सो कितना नंबर आ रहा है 4 जंप पे? 9, इसका मतलब 5 प्लस 4 कितना होता है? 9, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 5 में 4 प्लस कीजिए, 5 6 7 8 9, सो आंसर इज 9। ओके, नेक्स्ट,
सिक्स, तो पहले हम नंबर देखते हैं सिक्स कहाँ है, ये रहा। तो सिक्स से हमें कितना जंप मारना है, टू, तो वन टू जंप, क्या नंबर है यहाँ पे, एट, तो आंसर आ जाएगा एट, सिक्स प्लस टू एट होता है। बहुत ही ईजी है ना स्टूडेंट ये नंबर लाइन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर नंबर लिखना है। तो देखिए बीच में है नंबर 86, 86 के बिफोर मीन्स पहले क्या आता है 85, और 86 के आफ्टर क्या आता है मीन्स बाद में 87, 59 के बिफोर 58, 59 के आफ्टर 60, 94 के बिफोर 93 और 94 के आफ्टर 95। ओके, तो ये आपको बिफोर और आफ्टर नंबर है जो कि आप केजी से ही सीखते आ रहे हैं, तो बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कलर द डॉग दैट इज आउटसाइड द कैनल। देखिए यहाँ पे दोनों जगह कैनल है, दोनों जगह डॉगी हैं, तो यहाँ पे बोला है कि कलर करो उस डॉग को जो कैनल के आउटसाइड मीन्स बाहर है। तो देखिए ये कैनल के बाहर है, ये कैनल के अंदर है। ओके, अंदर दिख रहा है ना, यहाँ से अंदर है, तो आपको आउटसाइड बोला, आउटसाइड मीन्स बाहर। ये आपका डॉग बाहर है, तो फिर इसे आपको कलर करना है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से शेडिंग किया है बिकॉज मेरे पास कलर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी कलर कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको पसंद हो। और ये बता दूँ, कैनल मीन्स डॉग के घर को हम कैनल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री का बी, टिक राइट द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला है, राइट करो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट को, क्रॉस करो शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो पहले हमें यहाँ पे चेक करना है लॉन्ग कौन है, लॉन्ग मीन्स सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा है तो राइट इट, शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो ये है सबसे छोटा, तो क्रॉस करेंगे बस। तीसरे वाले को हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो जो बोला है वही करना है, इसको हमें इस बॉक्स को एम्प्टी रखना है, खाली रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज बाय पुटिंग द सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। यस, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को देख के मुझे बताइए कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। ओके, ये टॉपिक के भी चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ये रात का समय दिख रहा है, ये सोने से पहले का समय दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे सोने से पहले स्टोरीज सुनते हैं, तो ये है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चा उठ रहा है और यहाँ पे ब्रश कर रहा है, तो ये सबसे पहले हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो ये ना हो जाएगा नंबर वन। फिर नंबर वन हो गया ब्रश कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी ये रात का समय, तो देखिए यहाँ पे इसे नींद आ रही है, सुबह ब्रश किया, फिर जो भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिया, उसके बाद बाकी की एक्टिविटी नहीं दिए, फिर देखिए रात का समय हो गया, ये सुबह का समय था, फिर रात का सार, देखो चांद दिख रहा है दोनों जगह, मतलब रात का समय, यहाँ पे बेड पे है मतलब ये भी रात का समय है। तो सुबह का समय सिर्फ एक ही ब्रश, हमारा डे सुबह से ही स्टार्ट होता है, हम सुबह से एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ब्रश करना सुबह का टाइम फर्स्ट हो गया। फिर रात को इसे दिखे नींद आ रही है सेकंड, तीसरा वो बेड पे गया सोने, तो उसे स्टोरी सुना रहे उसके फादर, थर्ड और लास्ट में वो बच्चा सो गया, तो नंबर फोर। ओके, राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर फोर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए स्मॉल टू बिग इस तरीके से आप रखना है, स्मॉल टू बिग। इंक्रीज यानी बढ़ना, मतलब आपकी जैसे हाइट बोलते ना, हाइट मेरी इंक्रीज हो रही है मींस छोटे से बड़ी हो रही है, तो स्मॉल टू बिग बहुत ईजी है इसको समझना। सो इस तरीके से आप याद रखिए। तो देखिए आपको 83 दिया है, आगे ब्लैंक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो 93 के बाद क्या आता है, 83 है, तो 83, 84, 85, 86। ओके, समझ में आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर 83, 84, 85, 86। चलिए बी है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का उल्टा डिक्रीजिंग, मींस डिक्रीजिंग जैसे हम बूढ़े होते हैं तो क्या होती है, हम झुकते 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 जाते हैं, मतलब बड़े से छोटे होते जाते हैं, तो ये हो जाएगा बिग टू स्मॉल। ओके, तो इसमें ये कौन सा नंबर है, बिग है, 59 आपको दिया है बिग, फिर उससे छोटा मींस आपको बैकवर्ड नंबर, डिक्रीजिंग में हमें बैकवर्ड जाना होता है, कैसे जाना होता है, बैकवर्ड नंबर्स जाना होता है स्टूडेंट,
बैकवर्ड नंबर्स, तो 59 का बैकवर्ड 58, 58 का बैकवर्ड 57, 57 का बैकवर्ड 56, ओके। तो 59, 58, 57, 56, कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बोला तो बिग टू स्मॉल जाना है, मीन्स आपको उल्टा उल्टा जाना बैकवर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द डे विच कम्स बिटवीन, ओके। आपको डे लिखना है जो बीच में आता है। तो देखिए ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन आता है, वेंसडे। अगर आपको कर्सिव नहीं समझता है तो मैं यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिख देती हूँ, वेडनेसडे मीन्स वेंसडे, ओके। डब्ल्यू ई डी वेड एन ई एस नेस डी ए वाई डे, वेडनेसडे ऐसे लर्न करना है, बट इसको वेंसडे बोलना है, ओके। नेक्स्ट फ्राइडे और संडे, तो फ्राइडे और संडे के बीच क्या आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से सैटरडे, बहुत इजी है, एस इट इज सैट यू आर और डी ए वाई डे, सैटरडे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना, ऐड मीन्स क्या होता है, प्लस। चलिए प्लस करेंगे 13 के आगे 5 फिंगर, तो कैसे प्लस करना, बिग नंबर है 13, आगे 5 फिंगर ले लीजिए, 13 के बाद क्या नंबर आता है, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 18। 5 के आगे 2 फिंगर, 5, 6, 7, 17 के आगे 2 फिंगर, 17 के आगे आता है 18, 19, सो आंसर इज 19। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, ओके। तो 8 में से 5 माइनस करना, तो सबसे पहले हमें 8 फिंगर निकालनी है, उसमें से क्या करना है, 5 माइनस करना, मतलब 5 कट, तो कितना बचा, 3, यहाँ पे 3 आएगा। 9 माइनस 8, तो चलिए 9 फिंगर निकालें, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, 5, 6, 7, 8, बचा कितना, 1, यहाँ पे 1 आएगा। 8 माइनस 8, 0, सेम नंबर में से अगर सेम नंबर पूरा माइनस कर दिया जाए तो 0 आता है आंसर, ओके। चलिए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है हमारा ऐड, यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि ऐड करना है, ओके। तो ऐड करना फटाफट से, 14 चॉकलेट्स इन वन प्लेट, लिख दीजिए 14, 5 चॉकलेट्स इन अदर प्लेट, लिख दीजिए 5, हाउ मेनी चॉकलेट्स इन ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, पूरे कितने हैं, तो मींस प्लस है, तो चलिए पूरे काउंट करते हैं, 14 के आगे 5 फिंगर लेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सो आंसर इज 19, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी ये भी एडिशन का ही वर्ड प्रॉब्लम है, फोर चिल्ड्रन ऑन अ बेंच, तो देखिए फोर चिल्ड्रन ऑन अ बेंच, यहाँ पे 4 है, टू मोर जॉइन देम, फोर चिल्ड्रन बेंच पे बैठे थे, दो और उसे जॉइन कर लिए, तो प्लस 2 हो गया, तो हाउ मेनी आर देयर नाउ, अब कितने हो गए, प्लस कर दीजिए, 4 के आगे 2, 4, 5, 6, तो आंसर इज 6। देखिए अब डी में क्या बोला है, वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है इसमें सब। सो समीरा हैड 7 पेंसिल्स, 7 लिख लेंगे, जो नंबर दिया है वही, शी गेव 5 टू नाजिया, उसने 5 नाजिया को दे दिया, तो माइनस हो गया ना, दिया तो माइनस, लिया तो प्लस, तो दे दिया है तो माइनस 5 हो गया। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ समीरा, तो समीरा के पास अब कितनी बची, 7 में से 5 नाजिया को दे दिया, तो 5, 6, 7, 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, 9 लड्डूज इन अ जार, एक जार है उसमें 9 लड्डूज हैं, ठीक है। सानिया ऐड 2 लड्डूज, उसमें से सानिया ने 2 लड्डू खा लिए, मतलब माइनस 2 हो गया, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा, ये 9 है, इसमें से 2 माइनस कर दिए तो बच गया 7, सो आंसर इज 7, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा, और जो है कि ये पूरी वर्कशीट्स कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट, तो इस टाइप के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वर्कशीट को रेफ़र कीजिए, इसे ध्यान से सॉल्व कीजिए, आप भी घर पे वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें, तो आपको बहुत ही ईजी होगा एग्ज़ाम में, और आपको एक आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में तो वैसे भी फुल मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको देखने की समझने की ज़रूरत है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। सो बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए। सो यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।